वो तुम दोनों को अपनी बहू जरूर बनाएंगे, तुम देख लेना सब कुछ ठीक हो जाएगा बेटा। तुम हिम्मत मत हारो मलिहा, सब ठीक हो जाएगा। देखो बेटा, इंसान उस वक्त तक नहीं हारता जब तक वो खुद ना हार मान जाए। अपनी ड्रामेबाजी बंद करो और यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चले जाओ, वरना एक दिन खयाम भाई मेरी तुमसे जबरदस्ती शादी करा देंगे। आप बेफिक्र हो जाएं, जब तक आप खुद से राजी नहीं होती इस शादी के लिए, खयाम क्या कोई भी आपको राजी नहीं करेगा शादी के लिए। खयाम आपके बारे में तो मैं सब कुछ जान चुकी हूँ, लेकिन सबीन आपके बारे में मैं कुछ ज्यादा नहीं जानती। क्या आप भी मेरी तरह खयाम की कंपनी के साथ मिलकर कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं? नहीं मिस मुश्रा, एक्चुअली सबीन से मेरे छोटे भाई खुर्रम ने शादी की थी। ये वही खुर्रम है जो लंदन चला गया था शादी करके, और पीछे तो उसने सबीन को बिल्कुल एक नौकरानी बना कर दिया था। क्या हुआ सबीन, सब ठीक है? आपने बुशरा के घर पर भी कोई बात नहीं की और आप बहुत खामोश हैं। आपने अपनी दोस्त को मेरे गुजरे हुए कल के बारे में क्यों बताया? आप जानते भी हैं आपकी इस हरकत की वजह से मैं कितना हर्ट हूँ। देखिए सबीन, वो बुशरा एक अच्छी लड़की है, मैं उसे बहुत टाइम से जानता हूँ, आप बिल्कुल भी परेशान मत। उस वजह से परेशान नहीं हूँ, मैं बस उन सब अजियतों को भुलाना चाहती हूँ जो खुर्रम के आने के बाद मुझे मेरी जिंदगी में मिली। हम लोग के दिए हुए गमों को भुलाना चाहती हूँ मैं, लेकिन वो बार बार मेरे सामने आईने की तरह आके खड़े हो जाते हैं, जिससे मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। ये शक्लेन और वजदान नजर नहीं आ रहे, कहाँ है? वो अपने दोस्तों के साथ आउटिंग पर गए। अच्छा है ना, जरा दोस्तों में जाएंगे, घुले मिलेंगे तो रिलैक्स फील करेंगे। इस रिश्ते की वजह से मेरे बेटे बहुत परेशान रहे। राबिया का फोन आया था? नहीं, और ना ही कभी आएगा, और मैं भी कोई कांटेक्ट नहीं करूंगी, और मैं आपको भी बता रही हूँ आप भी मत कीजिएगा। देखो शायस्ता, मेरा ख्याल है कि हमें एक मौका उन्हें देना चाहिए, हो सकता है कोई उन्हें साजिश करके इस तरह फंसाना चाह रहा हो। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, अगर ऐसी बात होती तो वो अपनी बेटियों की पाकदामनी के लिए सबूत देने आती, मगर आपने देखा उन्होंने ना तो कोई फोन किया और ना कोई बात। बहुत धोखेबाज लोग निकले। नासरा को फोन करती हूँ, इसने कितनी आसानी से मेरी बेटों की जिंदगी दांव पे लगा दी। ठीक है, गई तो है माई के घर मिलने, लेकिन तक नहीं आई, यानी कहाँ रह गई? मे भी आप बिना वजह ही परेशान हो रही हैं। किसी का कोई भरोसा भी तो नहीं। ये देखें आ गए सबीन भाभी। अभी तुम कहाँ थी, मैं न जाने कब से तुम्हारा इंतजार कर रही। बीबी सबीन मेरे साथ। तुम्हारे साथ? ये तो माई के घर जाने वाली थी ना उनसे मिलने के लिए। अमीना भी मेरा दिल बहुत घबरा रहा था, इसलिए मैं ड्राइवर को वापस भेज दिया और मैं जा नहीं सकी। आओ तुम्हें हल्दी वाला दूध पिलाती, तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी। सॉरी यार अली, तुम्हें मेरी वजह से बहुत वेट करना पड़ा। अरे यार कोई बात नहीं, ऐसे भी बीबी के साथ तो टाइम का पता ही नहीं चला। हाँ तुमने मुझे किसी काम से बुलाया, बताओ क्या काम? यार वो मिस बुशरा की कंपनी ने हमारी कंपनी के साथ एक और प्रोजेक्ट साइन कर लिया, तो बस उसी सिलसिले में तुमसे कुछ बात करनी थी। अरे तो बहुत अच्छी बात है, इससे तो हमारी कंपनी को और ज्यादा फायदा हो जाएगा। चलो आओ बैठो, तुम्हें बताता हूँ। बैठो।
अम्मी क्या हो गया आपको? अम्मी वो सो रही है कमरे में। आप क्या हुआ? आपने आपने कहीं बहुत बुरा ख्वाब देखा है अम्मी? सभी सभी तुम लोग को मारना चाहते। नहीं नहीं अम्मी, हम लोग ठीक है, मलिया भी ठीक है। आपने कहीं ख्वाब देखा होगा बहुत बुरा। ये सभी मुझे चैन नहीं लेने थी, तुम लोग की खुशियां छीन ले। तुम लोग को जान से मारना चाहती है बेटा, तुम लोग को जान से मारना चाहती है। अम्मी आप फिक्र नहीं करें, हम ठीक है। मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ, आप टेंशन नहीं ले, हम दोनों ठीक। नासरा, तुम्हें अच्छी तरह से छानबीन करके मलिया और मधिया का रिश्ता लेकर आना चाहिए था। वो तो अच्छा हुआ कि हमें उनके बारे में पता चल गया, वरना मेरे बेटों की तो जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी। अहमद भाई की फैमिली को तो मैं अरसे से जानती हूँ, जरूर तुम्हें कोई ना कोई गलतफहमी हो रही है। और मलिया, मलिया का तो किसी से भी चक्कर नहीं था। मुझे पता था कि तुम उनकी वकालत ही करोगी। नहीं नहीं, मैं किसी की वकालत करने नहीं आई हूँ। देखो मलिया का जिसके साथ अफेयर था ना, वो अभी भी जेल में है। अगर मेरी बात पर यकीन नहीं है ना, तो जाकर तसल्ली कर लो। और मुझे तो लगता है कि राबिया ने ना अपने बेटियों के कारनामे ना तुमसे छुपाए हैं। हाँ शाइस्ता बहन, तुम ठीक ही कह रही हो। मुझे तो अंदाजा भी नहीं था कि अहमद भाई के इंतकाल के बाद राबिया मलिया की इस तरह परवरिश करेगी कि नौबत यहाँ तक आ जाएगी। छोटी के भी चाल चलन का हमें पता नहीं है, अभी तो उससे वास्ता नहीं पड़ा। हो सकता है उसके भी कहीं नैन मटक्का लगाओ। शाइस्ता बस करो, बहुत हो चुका। बिला वजह दूसरों पर इल्जाम लगाना कोई अच्छी बात नहीं है। हमने राबिया बहन से रिश्ता खत्म करना था, सो कर दिया। अब इस किस्से को खत्म करो। और नासरा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आपसे गुजारिश है कि आप अगर वजदान या सकलैन के लिए कोई रिश्ता ढूंढें तो पहले अच्छी तरह तमाम मालूमात कर लीजिएगा। हाँ ठीक है खालिद भाई, खुदा हाफिज़। माफ कीजिएगा खयाम, गलती हो गई, मैं भी साफ कर देती हूँ। नहीं इट्स ओके सबीन, मैं दूसरी शर्ट पहन लूंगा। और वैसे माफी तो मुझे आपसे मांगनी चाहिए, आपका कल बहुत दिल दुखा दिया मैंने। मैं तो आपको कब का माफ कर चुकी हूँ खयाम। सबीन आपके पर कुछ लगा हुआ। अरे यहाँ नहीं, थोड़ा इधर इधर, नहीं थोड़ा इधर। तुम लोग यहाँ अब क्या करने आए हो? बीबी आप जरा सबीन को बुलाएं, हमें उससे कुछ बात करनी। अब सबीन से तुम्हारा क्या लेना देना? जब उसे तुम्हारी सहारे की जरूरत थी तो तुमने उसे अपने घर में पनाह नहीं दी, बेसहारा तड़पने के लिए छोड़ दिया था। आप शुक्र करें कि हमने उस सबीन को जिंदा छोड़ दिया, क्योंकि जो उसने हमारे साथ किया उसके लिए तो हमें उसे बहुत पहले ही मार देना चाहिए था। बंद करो अपनी बकवास, जबान संभाल कर बात करो। अब अगर किसी ने भी उसकी तरफ आंख उठाकर देखा ना तो अच्छा नहीं होगा। इस मनहूस सबीन की वजह से मेरी बेटी की खुशियां बर्बाद हुई हैं। ये ख्वाहिश थी मेरी कि अपनी बेटियों को दुल्हन बने देखूं, लेकिन इस मनहूस की वजह से मेरी बेटियों की खुशियां मलिया मेट हो गई हैं। अम्मी ये आप क्या कह रही हैं? मैं मलिया मदिया की जिंदगी बर्बाद करने के बारे में सोच भी नहीं सकती।
ज्यादा हमदर्द बनने की जरूरत नहीं है सबीन, ये सब कुछ तुमने ही किया है। तुम्हारी इस मासूम शक्ल के पीछे कितनी गलाजत छुपी होगी हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। तुमने ही खालिद अंकल के घर जाके ये सब बातें की है ताकि उनके और हमारे दरमियान जो रिश्ता जुड़ने वाला है वो कभी ना जुड़ सके। कौन खालिद अंकल? मैं किसी खालिद अंकल को नहीं जानती। ओ, तो शुरू हो गए तुम्हारे ड्रामे। दूसरों की जिंदगी बर्बाद करके खुद को कैसे बचाया जाता है ये तुमसे अच्छा कौन जान सकता है। बस बहुत हो गया, बंद करो सबीन पर इल्जामात लगाने। पहले भी तुम लोगों ने सबीन के दामन को दागदार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। चली जाओ अभी अपने बेटे को लेकर यहाँ से। मैं ऐसे नहीं जाऊंगी, इसे ये बताना ही होगा कि इसने ऐसा क्यों किया हमारे साथ। मैं किसी खालिद अंकल को और उनकी फैमिली को नहीं जानती। आप लोग को गलत फहमी हो रही है। अच्छा, अगर तुम खालिद भाई को नहीं जानती तो उनके घर में क्या कर रही थी? हाँ बोलो सबीन, बताओ क्या करने गई थी वहाँ? अम्मी ने तुम्हें खुद वहाँ से जाते हुए देखा और तुम्हारी वजह से उन्होंने मुझसे और मलिहा से अपने बेटों की शादी करने से इनकार कर दिया। देखो सबीन, मैं तुम्हारे हाथ जोड़, मेरी बेटियों की खुशियों को बर्बाद मत कर। मानती हूँ कि तुम्हारे साथ हम सब ने बहुत बुरा किया, लेकिन बेटा माफ कर दो। तुम्हारे दिल में जो बदले की आग जल रही है मेरी बच्चियों के लिए, बेटा उसे बुझा दो। अम्मी, मैं तो आपको कब का माफ कर चुकी हूँ, और ना ही मेरे दिल में मलिहा के लिए कोई मैल है और ना मदिहा से बदला लेना चाहती हूँ। इंसान जब मुनाफिकत की सीढ़ी चढ़ना शुरू होता है ना, तो उसे झूठ बोलने की आदत हो जाती है, और इसी झूठ का सहारा लेते हुए तुम लोगों ने सबीन की जिंदगी बर्बाद की थी। लेकिन अब मैं सबीन के साथ हूँ, इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इससे पहले मैं गार्ड्स को बुलाकर तुम लोगों को यहाँ से निकलवाऊं, चुपचाप चली जाओ, चली जाओ सबीन की जिंदगी से बहुत दूर। सर, अजीज से भी काफ़ी मीटिंग चल रही हैं और इसी हवाले से स्पेशल से भी काफ़ी बातचीत हुई। तुम क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि रजीज से हमारी नई मीटिंग होने वाली है और नए प्रोजेक्ट से हवाले से हम बात कर रहे हैं उनसे, और आई होप कि हमें नया प्रोजेक्ट मिल जाएगा। आज तुम ऑफिस नहीं गई? नहीं खाला, वो आज मेरी कोई मीटिंग नहीं थी। चलो अच्छा है, थोड़ा सा रेस्ट कर लोगी ना तो अच्छी बात है। और जब से तुम यहाँ आई हो रोज मीटिंग मीटिंग मीटिंग। खाला आप तो जानती हैं मैं अपने काम में कितनी पैशनेट हूँ, और वैसे भी जिस चीज को मैं हासिल करने का सोचती हूँ जब तक वो मैं पा ना लूँ ना मुझे सुकून नहीं आता। अल्लाह मियां तुम्हारी सारी मुरादें पूरी करे। आमीन, थैंक यू। अच्छा मैंने तुम्हारी बहुत पसंदीदा डिश बनाई है, जल्दी से फ्रेश होकर आओ, दोनों साथ लंच करेंगे। ओके खाला, ठीक है। अरे
ये तो वो लड़का नहीं है जो तुम्हारे साथ घर पर आया था, क्या नाम था, खयाम? जी खाला, ये वो ही है। इसकी तस्वीर तुम्हारे मोबाइल में क्या कर रही? वो अब आपने ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं बहुत खुश हूँ। मेरी बहुत हसरत थी कि मैं तुम्हें दुल्हन बना हुआ देखूं, तुम्हारी शादी करूं और वो भी किसी अच्छे घर में। इस खुशी के मौके पर अगर तुम्हारी माँ भी जिंदा होती तो कितना अच्छा होता ना। खाला, मॉम जहाँ भी हैं वो मेरी खुशियों को आपकी नजर से तो देख रही हैं, और वैसे भी आपका प्यार, आपके एहसास ने मुझे कभी उनकी कमी महसूस नहीं होने दी। खयाम बहुत समझदार और सुलझा हुआ लड़का है, और कामयाब भी। तुम्हारी और उसकी जोड़ी परफेक्ट रहेगी, मुझे फख्र है तुम्हारी चॉइस पर। थैंक यू सो मच खाला। अब मैं भाई साहब से फौरन बात करती हूँ और हम सब खयाम के घर उसका रिश्ता लेने जाएंगे। नहीं खाला, अभी मैं उससे शादी नहीं करना चाहती। क्या मतलब? पहले मैं खयाम के दिल में अपनी जगह महसूस करना चाहती हूँ। मैं देखना चाहती हूँ कि जितना मैं उससे प्यार करती हूँ क्या वो उतना ही प्यार मुझसे करता है। अरे पगली, जब शादी होती है ना तो ये सारे प्यार मोहब्बत हो जाते हैं। बस अब हमें खयाम से बात करनी चाहिए। खाला, मैं खयाम से बेइंतहा प्यार करती हूँ, इतना प्यार करती हूँ कि जितना कोई सोच भी नहीं सकता। और मैं नहीं चाहती कि मेरी किसी गलती की वजह से वो मुझसे शादी से इनकार कर दे। लेकिन खाला प्लीज आप समझने की कोशिश करें, आप खयाम को नहीं जानती, वो बहुत सेंसिटिव है, जरा जरा सी बात पर गुस्सा करता है। जब वक्त आएगा ना तो आप मेरी उससे शादी करा दीजिएगा। ठीक है, चलो आ जाओ नीचे लंच कर। मैंने कुछ ऐसा नहीं किया, मैं भला अपने बहनों की दुश्मन क्यों बनूंगी? मैं जानती हूँ मेरी बच्ची, तुम कभी ऐसा नहीं कर सकती। वो लोग हमेशा की तरह तुम पर झूठे इल्जाम लगा रहे हैं। मेरा भी मुझे तो पता तक नहीं है कि मलीहा वदिया का रिश्ता तय हो गया, उनकी शादी होने वाली है। मैं भला कैसे उनकी शादी तोड़ सकती हूँ? बेटा, इंसान अगर अपने अंदर झांकना शुरू करे ना तो फिर ही वो दूसरों के एहसासात को समझने की कोशिश करता है। लेकिन राबिया ने तो कभी भी तुम्हें अपनी बेटी तस्लीम नहीं किया, मलीहा मदिया से कमतर ही समझा, हमेशा अपनी कोताहियों और ऐबों को छुपाकर तुम्हें ही कुसूरवार जाना। मेरे भी मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? बेटा रो मत, सब ठीक हो जाएगा।